हाँ जी बेटा, यस्टरडे बेटा हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक कर लिया था, एक्सरसाइज 11.3 के क्वेश्चन 6 तक हमने 7 तक कर लिया था। लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 8। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या दिया हुआ है, लेट अस सी। इट इज रिटन दैट फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए प्लेन विद इंटरसेप्ट 3 जो है ऑन द वाई एक्सिस। मेरे पास जो है वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट 3 है एंड पैरेलल टू बेटा जेड ओ एक्स प्लेन। अब कोई भी प्लेन अगर पैरेलल टू जो है जेड ओ एक्स प्लेन है तो कैसे लिखते हैं, क्या मिसिंग है, वाई कोऑर्डिनेट मिसिंग है। इसका मतलब वो तो होगा ही होगा ना, तो एनी प्लेन जो है, लेट अस डू एक्सरसाइज 11.3 8th क्वेश्चन बेटा। ओके, एनी प्लेन जो है पैरेलल टू जेड ओ एक्स प्लेन जो है वो कैसा होगा। मेरे पास ऑब्वियस है वाई इज इक्वल्स टू कांस्टेंट के। अब मुझे नहीं पता ये के कांस्टेंट कितना है ना, बट मुझे यहाँ पर जो है उन्होंने क्या बोला गया है कि उसका वाई इंटरसेप्ट जो है वो 3। दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मुझे वाई की वैल्यू कितनी दे दी, 3। तो मैं 3 पुट करूंगी तो 3 इज इक्वल्स टू के, तो के की वैल्यू 3 आ गई। तो देयर फोर प्लेन इक्वेशन जो है वो क्या बन गई, वाई इज इक्वल्स टू 3। एक मेथड ये है, आप ऐसे भी कर सकते हो। दूसरा मेथड मैं आपको बताने लगी, अगर मेरे पास जो है कोई भी प्लेन जो है जेड ओ एक्स के पैरलर है, ऑब्वियस है उसकी डायरेक्शन जो है वो साइंस वो 0 1 0 होंगे। ये सेकंड मेथड बताने लगी, ठीक है। और मुझे दिया है कि वो उसका जो है वाई इंटरसेप्ट दिया हुआ है, तो दैट मींस पॉइंट क्या हो गया, 0 3 0, ये डायरेक्शन जो तो साइंस है ये पॉइंट है। तो प्लेन की इक्वेशन लिखनी है, कैसे लिखते थे, ए इंटू एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी इंटू वाई माइनस वाई वन प्लस सी इंटू जेड माइनस जेड वन इक्वल टू 0। अब आपके पास एक्स वन वाई वन जेड वन भी दिया है, आपके पास ए बी सी की वैल्यू भी दी है, 0 इंटू x माइनस 0 ठीक है, प्लस 1 इंटू y माइनस 3 प्लस 0 इंटू जो भी सारा रहेगा वो 0 मल्टीप्लाई 0 सब कुछ 0 ही हो जाएगा। तो यहाँ पर वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो ऑब्वियस है वाई की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 3। जिस मर्जी मेथड से कर लो, चाहे इससे कर लो चाहे इससे कर लो, आंसर बिल्कुल यही से। ओके बेटा, क्लियर। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 9th बेटा, मेरे पास क्या दिया हुआ है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द टू प्लेन एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस। क्लियर कट है, मैंने आगे भी आपको बोला था अगर मेरे पास कोई प्लेन है जो कि पास कर रहा है बाय द इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स, है ना, इफ इट पासिस थ्रू बाय द इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स, तो 100% बेटा हम क्या लेंगे, फर्स्ट प्लेन प्लस लैम्डा टाइम्स अ सेकेंड प्लेन। ठीक है, इन द नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं पहले कि क्या दो प्लेन्स दी हैं और फिर क्या कंडीशन दी हुई है, लेट अस राइट दैट। ठीक है, तो मेरे पास जो है इस क्वेश्चन में इट इज रिटन विच टू प्लेन्स आर गिवन इन द क्वेश्चन नंबर 9th, 3x माइनस y प्लस 2z माइनस 4 इक्वल टू 0, ये P1 दिया है। फिर P2 जो है एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस 2 इक्वल टू 0 एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट 2 2 1, मुझे ये दिया। तो सबसे पहले तो हम यही करेंगे ना कि फर्स्ट प्लेन प्लस लैम्डा टाइम्स द सेकंड प्लेन, क्योंकि इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू प्लेन्स है। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 3x माइनस 5 प्लस 2z माइनस 4 प्लस लैम्डा टाइम्स x प्लस y प्लस z, ये हुआ। अब मुझे लेमडा मैंने अपनी तरफ से लिया ना, ये अननोन वैल्यू है, मुझे इसको इवैल्यूएट करना है ना, तो
इवेलुएट करने के लिए मैं क्या करूंगी बेटा, मेरे पास ये प्लेन किस पॉइंट से पास आउट हो रहा है, 2 2 1 से, तो इसको पुट कराए, जब मैंने पुट करवाया तो यहाँ पर 2 -2 + 2 × 2 - 4 + λ 2 + यहाँ z पे 1 था, ओके 2 और प्लस 1 माइनस 2 इक्वल टू 0, 2 से 2 कैंसिल, मेरे पास जो है यहाँ पर 6 - 2 = 4, 4 + 2 जो है 6 हुआ, या ये 2 से 2 काट दो, एक ही बात है, ठीक है। और मेरे पास जो है ये माइनस 4 हुआ तो 2 + जो है 3λ = 0 और लैम्डा की वैल्यू -2/3। कैलकुलेशन देख लिया करो बेटा, ओके जी। अब मेरे पास लैम्डा आ गया, मुझे और कोई टेंशन वाली जरूरत ही नहीं। अब मैंने क्या करना है, प्लेन की इक्वेशन ही निकालनी है, लैम्डा को यहाँ पे प्लेस कर दीजिए और एक्स वाले कोऑर्डिनेट इकट्ठे कर लीजिए, वाई वाले इकट्ठे कर लीजिए और जेड वाले कलेक्ट कर लीजिए, बस काम हो जाएगा आपका, ओके बेटा। बात समझ आ गई सबको? Any doubt to anyone? बेटा चले आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा मेरे पास जो है दैट इज क्वेश्चन नंबर जो है 10th, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स। बिल्कुल सेम वैसा ही है, सिर्फ मेरे पास जो है कार्टिजन की बजाय यहाँ पर कैसी फॉर्म दे दी है मुझे, वेक्टर फॉर्म दे दी, और उसने कहा है पासिंग थ्रू द पॉइंट 2 1 एंड 3, सेम क्वेश्चन बिल्कुल 9th जैसा सेम है, बस कार्टिजन की बजाय वेक्टर इक्वेशन दिया और सेम मेथड से आपने फॉलो करना, ओके। सो हम ये जो है क्वेश्चन आपको ट्राई करना, क्वेश्चन नंबर 10th, लेट अस डू नाउ क्वेश्चन नंबर 11th, रीड करते हैं फिर पता चलेगा कि इसको कैसे करना, ओके बेटा। क्वेश्चन नंबर 11th मेरे पास जो है, लेट अस सी, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए प्लेन थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स। अब इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से समझना बेटा, पहला स्टेप तो वही है कि लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स, तो मतलब क्या हो गया कि फर्स्ट प्लेन प्लस लैम्डा टाइम्स द सेकंड प्लेन, पहला स्टेप मैं इतना करती हूँ, फिर आगे देखते हैं कि उसमें क्या दिया हुआ है मेरे पास है, तो दैट मीन्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1, ये पहली प्लेन की इक्वेशन दी हुई है, और 2x प्लस 3y प्लस 4z जो है इक्वल्स टू 5, ये मेरे पास दूसरी इक्वेशन है, ओके। और मुझे कहा गया है कि विच इज परपेंडिकुलर टू द अदर प्लेन, मतलब इनसे जो प्लेन बनेगा ना वो परपेंडिकुलर है किसके, किसी अदर प्लेन के जिसकी डायरेक्ट मुझे इक्वेशन दी हुई है लाइक दिस। मैंने आगे भी आपको एक बताया था, अगर ये प्लेन है, ये दूसरा प्लेन, ये इस पे परपेंडिकुलर है, इसका नॉर्मल ऊपर को आएगा और इसका नॉर्मल इधर को आएगा, और रहेगा तो आपस में परपेंडिकुलर ही। मैंने आपको बात याद करवाई थी, अगर दोनों प्लेन है परपेंडिकुलर की कंडीशन तो परपेंडिकुलर की लगानी, दोनों लाइन्स है परपेंडिकुलर की कंडीशन है तो परपेंडिकुलर लगानी है, लेकिन अगर एक लाइन है और एक प्लेन है, वर्ड आ रहा है कि दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, तो कंडीशन पैरलर की लगती है, उल्टा लगता है, ठीक है। तो यहाँ तो प्लेन की बात ही हो रही है, परपेंडिकुलर की कंडीशन है, तो परपेंडिकुलर की कंडीशन आपको पता होनी चाहिए, a1 a2 + b1 b2 + c1 c2 दैट इज इक्वल टू, ये कंडीशन है वेयर a1 b1 c1 डायरेक्शन रेशियो ऑफ द फर्स्ट लाइन प्लेन है, एंड जो है a2 b2 c2 डायरेक्शन रेशियो ऑफ द सेकंड प्लेन। अब सबसे पहले तो ये प्लेन तो निकालने में कैसे होता है, फर्स्ट प्लेन ये -1 में इधर ले आए प्लस लैम्डा टाइम्स द सेकंड प्लेन ऐसे। अब मैंने लैम्डा कहां से निकालना है, इस कंडीशन से, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में वो पॉइंट से पास आउट हो रहा था, यहां बोल दिया दोनों प्लेन, अब एक ये प्लेन है एक ये प्लेन, पहले तो इस प्लेन को मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखू, स्टैंडर्ड मतलब एक्स वाले कोएफिशिएंट इकट्ठे, वाई वाले इकट्ठे, जेड वाले इकट्ठे, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, 1 + 2λ × x + y, 1 मेरे पास जो है
प्लस थ्री लेमडा इंटू वाई, जेड में मेरे पास वन जो है प्लस फोर लेमडा इंटू जेड, और कांस्टेंट क्या बचा मेरे पास जो है यहाँ पर माइनस वन माइनस फाइव लेमडा इक्वल टू जीरो। ओके बेटा, तो अब ये मेरे पास क्या हो गया, ए टू हो गया, ये मेरे पास बी टू हो गया, ये मेरे पास जो है क्या हो गया सी टू हो गया, और ये जो इधर वन माइनस वन और ये वन, ये मेरे पास ए वन ए टू ए वन बी वन और सी वन, ये हो गया। अब कंडीशन अप्लाई करनी है ना मेरे को, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर है, अगर दोनों परपेंडिकुलर है तो कंडीशन क्या अप्लाई करूंगी मैं यहाँ पर, सबसे पहले लिखने लगी हूँ दोबारा कंडीशन उधर और वैल्यूज पुट करने लगी हूँ, ठीक है। सिंस बोथ द प्लेन्स आर परपेंडिकुलर सो ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू इक्वल टू जीरो, वन इंटू दिस तो वो ऐसे ही रहना, प्लस अब बी वन मेरे पास वो क्या है माइनस वन और बी टू क्या है ये ना, मैं इधर से ये रब कर देती हूँ, वन प्लस थ्री लैम्डा प्लस सी टू और सी वन वन है तो मैंने वन लिख दिया और वन प्लस फोर लैम्डा दैट इज इक्वल टू जीरो। सॉल्व कीजिए एंड गेट द वैल्यू ऑफ लैम्डा, लैम्डा आ गया तो वापस इस पे पुट कर दीजिए, यू विल गेट योर आंसर। सबको बात समझ आई मुझे, एनी डाउट टू एनी वन, एनी डाउट टू एनी वन बेटा, कोई कुछ पूछना चाहता है? सुहानी सम्यंग देगवीर अभिरूप राणा, सबको क्लियर है? ओनली वन स्टूडेंट जो है पार्टिसिपेट, यस मैम इट इज क्लियर, बाकी बच्चे डेली मुझे कहना पड़ता है बी एक्टिव बेटा, रिस्पॉन्ड तो करो, नहीं आंसर देना इट्स ओके, एटलीस्ट थम्स अप करके मुझे इतना तो पता चले कि यू आर एक्टिव इन द क्लास। ओके हरनूर, चलिए गुड अभी रुक, चलिए बेटा नेक्स्ट मेरे पास जो है यहाँ पर 11.3 के हमने क्वेश्चन नंबर 11 किया, 12th इज नॉट इन आवर सिलेबस, ठीक है 12th इज नॉट इन आवर सिलेबस, और 13th का भी बेटा यहाँ पर एंगल बिटवीन देम इज नॉट इन आवर सिलेबस, सिर्फ हम इतना चेक कर सकते हैं कि वेदर द प्लेन आर पैरेलल और परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर की जगह पे यही कंडीशन चेक करेंगे, अगर ये जीरो के इक्वल आता है तो परपेंडिकुलर है, और पैरेलल के लिए हम चेक करेंगे कि ए वन ओवर ए टू इज इक्वल टू बी वन ओवर बी टू इज इक्वल टू सी वन ओवर सी टू आ रहा है तो वो पैरेलल है, नहीं तो पैरेलल नहीं है। ओके बेटा, सबको बात समझ आ गई, ठीक है। दिस कंप्लीट्स लास्ट 14th क्वेश्चन इज देयर, यस। इन द फॉलोइंग केसेस फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ईच ऑफ द गिवन पॉइंट फ्रॉम द कॉरस्पॉन्डिंग गिवन प्लेन, आपने एक पॉइंट से डिस्टेंस निकालना है, हमने फॉर्मूला किया हुआ है कि क्या करते हैं यहाँ पर, मेरे पास हो गए क्वेश्चन 14th, फर्स्ट पार्ट हम कर लेते हैं, ठीक है सेम पार्ट से, तो पॉइंट मुझे दिया हुआ 0 0 0 और 3x माइनस 4y प्लस 12z इक्वल टू 3, ठीक है। तो कैसे करते हो, तो ये पॉइंट इधर ले आओ इक्वल टू, ये प्लेन हो गए, अब ये पॉइंट पुट करते थे एक्स वाई जेड की जगह पे डिस्टेंस निकालने के लिए, जब पुट किया 0 + 0 + 0 - 3 अंडर रूट ऑफ साथ में कोफिशिएंट ऑफ एक्स का स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ वाई का स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ जेड का स्क्वायर, बस सॉल्व करने वाले में गेट योर आंसर। ओके बेटा जी, कोई डाउट तो नहीं यहाँ तक, पता चल गया बेटा सबको, दिस कंप्लीट्स योर ऑल द टॉपिक्स, ठीक है। अब हम मिसलेनियस एक्सरसाइज करते हैं बेटा,
ठीक है, डिस्कस करते हैं, और ताकि नेक्स्ट अब हम इंटीग्रेशन स्टार्ट कर सके। आज हम डिस्कस करेंगे सिर्फ, मैं सारे क्वेश्चंस आपको जो है कैलकुलेट करके नहीं बताऊंगी, सिर्फ जो मुझे लगेगा, अदरवाइज हम डिस्कस करेंगे कि इसको करना कैसे। ठीक है, मिसलेनियस एक्सरसाइज है मेरे पास फ्रॉम द सेम चैप्टर, फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ व्हाट इज रिटन इन द फर्स्ट क्वेश्चन, शो दैट द लाइन ज्वाइनिंग फ्रॉम ओरिजिन जो है टू द पॉइंट, उसने कहा है कि मेरे पास जो है एक लाइन ज्वाइन कर रही है ओरिजिन से टू द पॉइंट 211 इज परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 3-5-1 एंड 4-3-1। अब परपेंडिकुलर के लिए क्या कंडीशन बोलते हैं? हाँ जी, एनीबॉडी फ्रॉम योर साइड, व्हाट वी हैव टू चेक फॉर परपेंडिकुलर, कि अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर कब होती है? हाँ जी प्रभनूर, प्रभनूर बेटा अनम्यूट योरसेल्फ प्रभनूर। ओके रसिका, यस बेटा रसिका बताइए। जब दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो के इक्वल होता है। ओके, दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो के इक्वल। मैम जब दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो के इक्वल होता है। हाँ जी हाँ जी, सुन लिया बेटा मैंने, दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो के इक्वल हो, हम ऐसे भी कह सकते हैं डायरेक्शन रेशियोज का डॉट प्रोडक्ट, है ना, ये वर्ड बोलना चाहिए, या हम ऐसे बोल दें a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 that is equal to zero, one is the same thing, ठीक है ना, आपने वेक्टर फॉर्म में बोला, मैंने कार्टेशियन फॉर्म में बोला। तो सबसे पहले बात है इनकी डायरेक्शन जो है वे क्या निकालो, रेशियो निकालो, तो डायरेक्शन रेशियो निकाली है, तो ये 2, 1-0, 1 और ये 1। अब इसका डायरेक्शन रेशियो अगर मैं देखूं तो 3-4-1 ये 2 और ये 0। ओके, तो अब निकालिए मेरे पास ये a1 b1 c1 की वैल्यू है, ये a2 b2 c2 की वैल्यू है, तो मेरे पास a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 ठीक है, 2 into -1 -2, 2 into 1 plus 2 और 0 into 1 तो 0। ऑब्वियस है आंसर कितना आया बेटा, 0। ओके जी, क्लियर टू एवरीवन, बात क्लियर है बेटा सबको, कोई डाउट तो नहीं यहाँ पर, तो 100% है कि ये मेरे पास डायरेक्शन रेशियोज का डॉट प्रोडक्ट जीरो के इक्वल आ गया, तो दैट मींस लाइंस क्या हो गई मेरे पास, हो गए वो परपेंडिकुलर हो गई। लेट अस मूव टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, मेरे पास सेकंड क्वेश्चन, इफ लाइन L1 M1 और N1 एंड L2 M2 N2 आर द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस, उसने कहा कि ये डायरेक्शन कोसाइंस है दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस के, तो शो कीजिए डायरेक्शन कोसाइंस मेरे पास जो है ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू बोथ ऑफ देम आर दिस, कि ऐसी लाइन जो दोनों पे परपेंडिकुलर है एट ए टाइम, उसके डायरेक्शन को साइंस क्या होंगे, हमने वो कैलकुलेट करने। तो बेटा हम स्टार्ट कैसे करें, सबसे पहले हम मान लेते हैं कि मेरे पास जो है इमेजिन करके चलते हैं कि जो लाइन है वो एक पैरेलल टू यूनिट वेक्टर होगी, तभी उसके डायरेक्शन को साइंस की बात कर रहे हैं ना, तो अगर वो लाइन मैं मान लेती हूँ कि यूनिट वेक्टर जो भी मुझे डायरेक्शन को साइंस दिए तो उसके पैरेलल होगी, तो ऑब्वियस है मैं यूनिट वेक्टर अगर दूं मेरे पास होंगे, फर्स्ट यूनिट वेक्टर मैं v1 से डिनोट कर देती हूँ, क्योंकि मेरे पास L1 M1 एंड N1 दिया हुआ है, तो मैंने पहला यूनिट वेक्टर ले लिया जो है L1 I M1 J और N1 K, क्योंकि ये डायरेक्शन को साइंस दिए इसीलिए ये यूनिट वेक्टर है जिसके पैरेलल वो है, ठीक है। और दूसरा मैं इमेजिन कर लेती हूँ मेरे पास जो है
वी टू एल टू आई प्लस एम टू जे प्लस एन टू के। अब मुझे ऐसा निकालना है वेक्टर जो दोनों के क्या है, परपेंडिकुलर है। जब दोनों के परपेंडिकुलर होता है वो नॉर्मल वेक्टर होता है, हमने किया हुआ है ना क्रॉस प्रोडक्ट में। तो हम क्या करें, सबसे पहले हमने बेसिकली तो नॉर्मल भी एक यूनिट वेक्टर होता है, ये भी यूनिट वेक्टर है, तो हम बेसिकली वी वन कैप क्रॉस वी टू कैप क्रॉस निकाल लें। ये आई जे के एल वन एम वन एन वन एल टू एम टू एन टू, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब क्या है हमारे पास में, हम यहाँ पर एक ऐसे वेक्टर की बात कर रहे हैं जो परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर है, हम वो नॉर्मल वेक्टर। क्यों यहाँ पर यूनिट नॉर्मल वेक्टर क्यों आया, क्योंकि हमने लिए यूनिट वेक्टर से, क्योंकि डायरेक्शन को साइंस की बात हो रही थी। अब इसको सॉल्व कर लो, जो आई जे के कोफिशिएंट आएंगे वो वही आएंगे जो आपको दे। ओके बेटे, क्लियर टू एवरीवन? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर मेरे पास हो गया थर्ड। हाँ जी, फाइंड द एंगल नहीं करना है, दैट इज नॉट इन द सिलेबस, थर्ड क्वेश्चन। ओके, लेट अस डू नाउ द क्वेश्चन नंबर फोर्थ बेटा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में मुझे क्या दिया हुआ है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन। अब लाइन की इक्वेशन दी है, ठीक है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब आपको पता है कि एक्स एक्सिस के डायरेक्शन रेशियोज की बात करूं या कोसाइन की बात करूं, वो 1 0 0 होते हैं एंड पासिंग थ्रू ओरिजिन, और मुझे पॉइंट भी दे दिए हैं सीधे सीधे उसके, ठीक है। तो अब लाइन की इक्वेशन, उन्होंने कोई ये तो नहीं लिखा कौन सी फॉर्म में, कार्टेशियन की बात हो रही है, कार्टेशियन में ही लिख देते हैं। आपको पता है ना लाइन की इक्वेशन, x माइनस एक्स वन ओवर मेरे पास हो गए एल, y माइनस वाई वन ओवर एम, z माइनस जेड वन ओवर एन। आप ए बी सी भी लिख सकते हो अगर डायरेक्शन रेशियोज की बात करते, बट बात ही कुछ साइंस की है तो इसीलिए, ठीक है, क्लियर। अब बेटा मेरे पास जो है यहाँ पर फिफ्थ क्वेश्चन, अगेन नॉट इन द सिलेबस बिकॉज एंगल की बात की थी, ठीक है। सिक्स्थ क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसने कहा इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर फाइंड द वैल्यू ऑफ के। सेम वही कॉन्सेप्ट है बेटा, अब क्या करोगे कि ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू इक्वल टू जीरो करो, वहां से के की वैल्यू निकाल लीजिए, ठीक है। सिक्स्थ क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बड़े आराम से, बस मैं बार बार कहती हूँ डायरेक्शन रेशियोज या कोसाइन निकालने के लिए पहले कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई एंड जेड वो वन जरूर बनाया, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। चलिए लेट अस डू नाउ दिस, मेरे पास जो है, लेट अस डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर सेवेंथ दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर सेवेंथ में मेरे पास क्या लिखा हुआ है, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए लाइन। लाइन की इक्वेशन दी है विच पासिस थ्रू द पॉइंट दिस, मुझे पॉइंट तो दे दिया, एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ध्यान से देखो बेटा, ये प्लेन है, ये लाइन है, दिस इज लाइन, ये इसके परपेंडिकुलर है, कंडीशन पैरेलल की लगनी है, क्योंकि नॉर्मल तो यहाँ कहीं होगा ना बेटा, नॉर्मल लाइन के क्या होता है, यहाँ पर पैरेलल नजर आ रहा है, इसीलिए मैं इसीलिए बार बार कहती हूँ एक लाइन एक प्लेन की बात हो, अगर वर्ड पैरेलल लिखा है तो कंडीशन परपेंडिकुलर की, अगर कंडीशन परपेंडिकुलर की वर्ड परपेंडिकुलर लिखा है तो कंडीशन पैरेलल, ठीक है बेटा। तो मेरे पास हो गए, उसने कहा कि परपेंडिकुलर टू द प्लेन, अब प्लेन मेरे पास हो गए आर वेक्टर डॉट आई प्लस टू जे माइनस फाइव के प्लस नाइन इक्वल टू जीरो। इसको मैं कार्टेशियन फॉर्म में लिखूं, कैसे लिखूंगी, मैंने आगे भी बताया प्लेन का लिखना है तो आई जे के की जगह पे एक्स वाई और सेट, क्योंकि वो डॉट प्रोडक्ट में अपने आप एडजस्ट हो जाता है ना, इक्वल टू जीरो। अब
प्लेन के जो डायरेक्शन रेशियोज हैं वो नॉर्मल के होते हैं, तो 1, 2, -5 वही इस लाइन के हो गए जिसकी इक्वेशन लिखनी सेम ही है ना, क्योंकि प्लेन का जो नॉर्मल है वो पैरेलल टू लाइन है। ठीक है बेटा, तो अब मेरे पास हो गए दोनों लाइंस, यहाँ पर इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो भी आ गई और पॉइंट भी आ गया, तो इक्वेशन लिख लो x -1/1, y -2/2 और z +5/3। मैंने पॉइंट उल्टे लिख दी, चलो -3, 1, 2 और यहाँ -5। ओके क्लियर बेटा, बात समझ आ गई सबको, कोई डाउट तो नहीं यहाँ पर बेटा? चलें आगे, एनी डाउट टू एनी वन? चलिए बेटा नेक्स्ट मेरे पास जो है क्वेश्चन नंबर जो है 8। यहां से ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, सारे के सारे। ओके बेटा, फाइंड द इक्वेशन मेरे पास जो है ऑफ द प्लेन थ्रू द पॉइंट ABC एंड पैरेलल टू द प्लेन। अब देख लो यहाँ वर्ड पैरेलल बोल रहा है तो कंडीशन किसकी लगाओगे? परपेंडिकुलरिटी। ठीक है, किसकी कंडीशन लगाओगे? परपेंडिकुलरिटी की। तो मेरे पास तो है लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ? फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट ABC एंड पैरेलल टू द प्लेन r. मेरे पास हो गए i+j+k=2। ओके, पैरेलल टू दिस प्लेन मुझे ये दिया। अब देखना बेटा ध्यान से, मेरे पास एनी प्लेन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट मेरे पास है तो वो कैसा होगा? a(x-a) + b(y-b) + c(z-c) = 0। ABC पॉइंट तो आ गए है ना। अब प्रॉब्लम क्या है मेरे पास? यहाँ पर सिर्फ डायरेक्शन रेशियो है ना, यहाँ पर की डायरेक्शन रेशियो मैं जो है ABCD कैसे कैलकुलेट करूं यहाँ पर, जबकि कोई मेरे पास कंडीशन नहीं दी। आपको ये लगता है क्योंकि प्लेन की इक्वेशन निकालने को कहा है और जो है मेरे पास जो है पॉइंट कैलकुलेट करने को। तो बेटा हम यहाँ पर जो है कैसे कॉन्सेप्ट लेते हैं कि मेरे पास जो है, क्योंकि जो नॉर्मल है यहाँ पर उसके डायरेक्शन रेशियोज क्या दिए हुए? देखो 1, 1, 1 प्लेन में 1, 1, 1 है ना मेरे पास दिए हुए, तो ऑब्वियस है वही मेरे पास जो है किसके होंगे? प्लेन के होंगे। तो यानी a, b और c की जगह मैं क्या लगा दूंगी? 1, 1, 1, 1। आप ऐसे भी कर सकते हैं, प्रोपोर्शनल हो गए, यहाँ दोनों प्लेन्स की बात हो रही है और पैरेलल की बात हो रही है, दोनों प्लेन्स हैं, पैरेलल की कंडीशन है तो पैरेलल की लगाएं तो ऑब्वियस जीरो। तो यहाँ पर चाहे आप केस ए करके कर दीजिए, ए की वैल्यू के, बी की वैल्यू के, सी की वैल्यू के, और यहाँ के पुट करोगे तो k(x-a) + k(y-b) + k(z-c) = 0। k सम में से कॉमन निकल आएगा, खत्म हो जाएगा। तो मेरे पास x+y+z = a+b+c। ठीक है बेटा, क्लियर टू एवरीवन? कोई प्रॉब्लम तो नहीं बेटा किसी को?
ठीक है, अब आपका होमवर्क है बेटा, ट्राई टू डू नेक्स्ट क्वेश्चंस, नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस टिल 15 तक आप ट्राई करना, जो भी प्रॉब्लम होगी वी विल डिस्कस इट टुमारो, ओके, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।